बिहार की राजधानी पटना के दानापुर रामजी चक में बवाल मचा हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि एक 4 वर्षीय मासूम बच्चे आयुष का शव इस स्कूल में बरामद हुआ है, जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है। और ये स्कूल है टीनी टॉट एकेडमी। इस एकेडमी में वो बच्चा पढ़ता था, 4 वर्षीय आयुष कुमार, शैलेंद्र कुमार, जो स्थानीय रामजी चक के निवासी हैं, उनका 4 वर्षीय मासूम बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता था, जिसका परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। लेकिन 24 घंटे बाद जब वो स्कूल तक पहुंचे, तो इसी स्कूल के छानबीन की गई, तो इसी स्कूल के कमरे के गटर में, कमरे में जो नीचे गटर बना हुआ, उस गटर में उसका शव बरामद हुआ। उसके बाद से लोगों का आक्रोश फूटा। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो फोर्स है वो लगाया गया है, यहाँ पर ARB की पूरी टीम लगाई गई है, स्थानीय जो लोकल थाना है उसकी पुलिस यहाँ पे। लेकिन तब तक देखते ही देखते लोगों ने पहले अपना आक्रोश सड़क जाम किया, लेकिन उसके बाद से इसी स्कूल में आग लगा दिया। पूरी तरह से यहाँ पर हंगामा बरपा था। कुछ देर पहले अग्निशमन विभाग की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचकर, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक ये स्कूल पूरी तरह से तहस नहस। स्कूल में ना सिर्फ तोड़फोड़ हुई, यहाँ पर लोगों का गुस्सा, जैसे ही इस स्कूल के एक कमरे के गटर से शव बरामद हुआ, उसके बाद से लोगों का गुस्सा फूटा और इस स्कूल में तोड़फोड़ के साथ ही स्कूल को पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया। और ये जो कमरे हैं, इन कमरों की हालत आप देखिए, पूरी तरह से ना सिर्फ जो भीड़ थी, जो गुस्साई भीड़ थी, इस स्कूल के अंदर पहुंची थी और इस स्कूल में पूरी तरह से तोड़फोड़ और इसको आग के हवाले यहां पर कर दिया गया। हालांकि ये जो कमरा है, इसी कमरे के से लगा हुआ जो गटर है, वहीं से बच्चे का शव यहाँ से निकाला गया था। और उसके बाद से शव, जैसे ही ये सूचना इस इलाके में पहुँची, चूँकि बच्चा स्थानीय है, शैलेंद्र कुमार जो बच्चे के पिता हैं वो यहीं के रहने वाले हैं, लिहाजा स्थानीय लोगों का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से इसी स्कूल के ऊपर। हालांकि स्कूल प्रशासन, कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ जरूर हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से फरार हैं। कल बच्चा स्कूल आया था और स्कूल के बाद से ही बच्चा यही इसी स्कूल में वो ट्यूशन भी पढ़ता था, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के बाद से भी जब बच्चा अपने घर नहीं वापस लौटा, उसके बाद से परिजनों ने खोजबीन शुरू की। और उस खोजबीन के बाद अब देखिए, ये जो कमरा है, इसी कमरे से लगा हुआ, इस कमरे को भी पूरी तरह से आग के हवाले। अभी भी यहाँ आग धधक रही है और सामने जो अलमीरा रखा हुआ है, उसी से लगा हुआ गटर है और वहीं से बच्चे का शव बरामद हुआ। और उसके बाद से पूरी तरह से, और इस वक्त चारों तरफ अगर आप देखें तो पुलिस बल तैनाती यहां पे कर दी गई है, कुछ गिरफ्तारियां ज़रूर की गई हैं। यहां पर उदय कुमार जी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, ये बताइए क्या स्थिति है यहां पर? सर से पूछिए, सर क्या स्थिति? सब ठीक है, अब तक शांत हो गया सर, नॉर्मल। सब गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं? अब गिरफ्तारी तो बताएगा, रात में गिरफ्तारी पता नहीं, अभी हम लोग पता नहीं है। नहीं नहीं, तो और क्या, अब आप लेट से आए हैं ना, पता सब लोग फरार हैं सब? नहीं, फरार नहीं है, सब धरा गया है लोग। स्थिति नॉर्मल है, कंट्रोल सब में है, सब कंट्रोल में है, सब कुछ नहीं है, सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में है। तो कह रहे हैं कि पूरी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। ये बताइए कौन है आप लोग, लोकल हैं? हम लोग मालूम है। क्या हुआ है यहाँ? सब आप लोग तमाशा देखने आए हैं? हम लोग कौन जानता है उस बच्चे को, कोई जानता है यहाँ? देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पे जरूर दिख रही हैं, तो पूरी तरह से यहाँ पर, ये बताइए क्या हुआ है? यहाँ सुने थे कि बच्चा, स्कूल का बच्चा टंकी में गिर गया है। अच्छा, वो इसीलिए हंगामा हुआ है। हंगामा हुआ है, कौन है आप लोग? हम लोग बगल हो गए, बगल में घर है, बगल में है। ये बताइए क्या हुआ यहाँ? बच्चा स्कूल में पढ़ता था, तो कल 2-3 बजे के लगभग में खोजबीन हो रहा था, तो बच्चे के माँ दादी सब आए हुए थे कि बच्चा मेरा नहीं मिल रहा है, तो स्कूल में वही खोजबीन होने लगा। तो उसके बाद सब पुलिस को भी बुलाया गया, थाना में इन्फॉर्म किया गया, बच्चा सब जगह खोजा गया, कहीं मिल नहीं रहा था, रात में भी खोजा गया, पीछे झाड़ी में भी खोजा गया, अलाउंस कराया गया, नहीं मिला। तो फिर पता नहीं, सब प्रिंसिपल और सब टीचर लोग को अरेस्ट किया गया, तो शायद वहाँ पर वो बताएं कि बच्चा गटर में डाला हुआ है। हाँ, तो वही 3 बजे के भोर में निकाला गया। उसी समय के बाद से फिर पूरा बस तोड़ फोड़, पूरा घर उधर ऑफिस सब तोड़ फोड़ हुआ है। सवेरे में पेट्रोल ला करके सब आग लगा दिया पूरा स्कूल में।
पब्लिक लोग लाश को रख करके वहाँ पर रोड जाम किया हुआ था सवेरे से। तो कैसे क्या अंदाजा लगा कैसे उस गटर में उसका शव बरामद हुआ? वो सब तो अंदर की बात, वो लोग तो पुलिस ही बता सकते हैं, हम लोग उसके बारे में क्या बता सकते हैं। जो सामने से बताया गया दिखाया गया वही हम लोग जान रहे हैं, हम लोग उसके बारे में नहीं पता क्या हुआ। तो स्कूल के टीचर लोग ही अपने से लोग बता सकते हैं, हम लोग का तो पता नहीं अंदर क्या हुआ, लेकिन वही पता चला स्कूल के कमरे में ही गटर है। हाँ, गल पीछे में नाली है, उसी में डाला हुआ चैम्बर में डाला हुआ था, तोपा हुआ था। अब पता नहीं अब अंदरूनी क्या हुआ, बच्चा कैसे हुआ, वो तो जानकारी बाहर वालों को नहीं ना मिलेगा। वो तो अंदर पुलिस जब जाँच करेगी तब पता चलेगा कि क्यों और किन परिस्थितियों में गटर में बच्चे का शव वहाँ पे बरामद हुआ। लेकिन परिजनों को ये जरूर आशंका उस वक्त से ही रही कि बच्चा स्कूल ही आया है और स्कूल में ही कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है, और स्कूल में ही जब खोजबीन की गई तो स्कूल के गटर में बच्चे का शव बरामद हुआ। लेकिन किन परिस्थितियों में क्यों क्या ऐसा हुआ था कि बच्चे का शव गटर तक पहुँचा, वो बच्चा जो 4 वर्षीय मासूम बच्चा जो कि इस स्कूल में पढ़ने आया और पढ़ने के बाद से ही स्कूल समाप्त होने के बाद इसी स्कूल में वो ट्यूशन भी पढ़ता था, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के बाद भी बच्चा घर नहीं पहुंचा। 24 घंटे की खोजबीन के बाद परिजनों को ये आशंका ये शक कि कुछ ना कुछ मेरे बच्चे के साथ स्कूल में हुआ है, और हुआ भी वही जब प्रिंसिपल और कुछ स्टाफ्स की गिरफ्तारी हुई तब पूछताछ के क्रम में ये खुलासा हुआ कि बच्चे को शव में डाला गया है या फिर शव कटर के ही अंदर है, और वहाँ से शव बरामद हुआ। और शव बरामदगी के बाद से बवाल, लोगों का आक्रोश फूटा, लोगों ने तोड़फोड़ की और उसके बाद से स्कूल को आग के हवाले कर दिया। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष।